अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एसटीआई भर्ती होने की अगर आप लोग ख्वाहिश रखते हो तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि कब तक और कैसे आप लोगों को पता चलने वाला है कि आपने एसटीआई जॉब के लिए अप्लाई करना है और कौन कौन से स्कूल में सीट वेकेंट है एसटीआई जॉब के लिए। अगर दोस्तों आप लोग फर्स्ट टाइम हो हमारे इस चैनल पर तो इस दोस्तों कैसे हो आप, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही कोई एसटीआई स्कूल टीचर इंटर्नशिप प्रोग्राम से रिलेटेड कोई न्यू अपडेट आती है तो आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करें, तो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। सबसे पहले दोस्तों आप लोग ही अपने मोबाइल फ़ोन पर बने हुए इस तरह के निशान पे क्लिक कर दें ताकि वीडियो पूरे स्क्रीन पर फैल जाए और आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएँ। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने के साथ अभी हम लोग शेयर कर लेते हैं कि आप लोगों को कैसे पता चलने वाला है कि जो एसटीआई की जॉब्स हैं उन वो किन किन स्कूलों में वेकेंट हैं, और जिस तरह से आप लोगों को इस बात का इलम होगा कि फ़र्स्ट फेज़ में जो एसटीआई भर्ती किए जा रहे हैं वो किए जा रहे हैं जी 6 अज़ला में। तो यहाँ पे देखें जी, ये एक मीटिंग जो है बुलाई गई है और ये सीईओ की तरफ से बुलाई गई है और 8 बजे इसका टाइम रखा गया है। क्या क्या चीज़ें लेकर आनी है, स्कूल के जो हेड मास्टर हैं या प्रिंसिपल हैं उन्होंने जो यहाँ पे चीज़ें लेकर जानी है स्कूल की तरफ से, वो स्टाफ स्टेटमेंट लेके जानी है, वैकेंसी पोजीशन लेके जानी है और इनरोलमेंट लेके जानी है तुलबा की। तो यहाँ से सीटों का पता चलेगा, वैकेंसी पोजीशन लेकर जाएंगे तो पता चलेगा कि किस स्कूल में कौन कौन सी सीट वेकेंट है। वो एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे और वो आप लोगों के साथ शेयर भी किया जाएगा। और उसके बाद देखें यहाँ पे टाइम भी मेंशन है कि हायर सेकेंडरी स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो 8 AM पर और जो तहसील सिटी है उसके जो है वो 9 AM पर और तहसील सदर जो है उसके 10 AM पर तहसील कामों की और तहसील नुशहरावी का, ये पूरा टाइम शेड्यूल दे दिया गया है सीईओ की तरफ से। और ये मीटिंग होगी और यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वेकेंट पोस्ट के बारे में इकट्ठी की जानी है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन और शेयर कर लेते हैं जी। ये देखें यहाँ पे आपको इस बात का इलम होगा कि हुकूमत पंजाब ने 70,000 एसटीआई भर्ती करने का जो है वो समरी पास की है। और यहाँ पे देखें अगर हम लोग बात करें डीजी खां में तो 853 एसटीआई डीजी खां में भर्ती होने हैं। प्राइमरी लेवल के 587 हैं, एलिमेंट्री के 178 हैं, सेकेंडरी के जो है 44 और हायर सेकेंडरी के 44। गुजरावाला में देख लें आप लोग इसी तरह से, और रहीम यार खां में भी देख लें आप लोग, उसके बाद मियावाली में देख लें, राजनपुर में देख लें और सियालकोट में देख लें, तो ये सारे तकरीबन 6-7 हज़ार के करीब बनते हैं। और बाकी जो हैं यानी 70,000 बाकी पंजाब के जो बाकी ज़िला हैं उनमें भी भर्ती किए जाने हैं, ये फर्स्ट फेज़ है। और कुछ परफॉर्मे भी जो है वो तलब किए हैं सीईओ ने, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। देखें ये आप लोग इसको देख लो एक बार कि इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन जो है रिगार्डिंग स्कूल टीचर इंटर्नी यानी एसटीआई फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल, ये जो है वो परफॉर्मा फिल करके देंगे कि एसएस इंग्लिश की कितनी वेकेंट है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, मैथ की। और बिल्कुल इसी ही तरह से ये देखें यहाँ पे सेकेंडरी लेवल यानी ये हाई स्कूल परफॉर्मा जो है ना फिल करके देंगे, और यहाँ पे जो है वो वर्किंग कितनी है और वेकेंट कितनी है, वर्किंग कितनी है सीटें और वेकेंट कितनी है, और वेकेंट पे ही एसटीआई को भर्ती करना है। बिल्कुल इसी तरह से आगे जो है ये यहाँ पे है हमारे पास प्राइमरी लेवल के लिए, प्राइमरी लेवल के लिए पीएसटी की इंफॉर्मेशन रिक्वायर है और वर्किंग कितने जो हैं वो पीएसटी कर रहे हैं और वेकेंट कितने हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही एलिमेंट्री लेवल की यानी आपकी जो एसटीआई की
इंटर्नशिप होनी है उसके लिए महकमे के जो सीईओ हजरात हैं उन्होंने इंफॉर्मेशन स्कूल से कलेक्ट करना शुरू कर दी है और वो इसका एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और मैं भी आप लोगों के साथ अपने चैनल के ज़रिए उस डॉक्यूमेंट को शेयर करने वाला हूँ। तो आप लोग अगर फर्स्ट टाइम हो इस चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आए तो आप लोगों के साथ हम लोग शेयर कर सकें। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखो।